अबू इंतकाल हो गया, मैं नहीं घर चलाना। अबू का इंतकाल हो गया तो अम्मी के पास जाने का तो दिल करता होगा ना? अभी जो भी करनी है ना, 3 मिनट। अरे एक ख्वाहिश है, जब गाँव जाऊंगा ना ज्यादा फिट होएंगे। अच्छा, ये बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को गिफ्ट, ये लो। गाइस, ये सामने एक बच्चा काम कर रहा है और पता नहीं क्या मजबूरी है इसकी जो इसे खेलने कूदने की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। इसके पास जाते हैं और इससे सामान खरीदते हैं और एंड में इसे एक सरप्राइज देते हैं। गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? क्या हिसाब लगाया गंडेरी का? चेक करवाओ, आगे देखता हूँ फिर लूंगा। ये लाओ, एक और दे दो। इन दो के कितने हुए थे? एक दो तीन। ये लो भाई आपके 300। क्या उम्र है आपकी? 14 साल। तो ये क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि इस उम्र में काम करना पड़ रहा है? सबको इंतकाल हो गया, मैं नहीं घर चलाना। अब्बू का इंतकाल हो गया? कब? 5-6 साल हो गए थे, मैं छोटा। अब्बू का तो होना बहुत जरूरी है यार। अब्बू ने ही छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं। अब्बू होते हैं तो हम खेल सकते हैं, अब्बू होते हैं तो हम लोग जा सकते हैं दूर दूर दोस्तों के साथ घूमने फिरने, क्योंकि अब्बू होते हैं ना घर पे। कौन कौन है आपके घर में? क्या करते हैं वो? छोटे। अच्छा, आप सबसे बड़े हो? नहीं, मेरे से बड़ा है, उसने जानवर। अच्छा, दोनों बड़े भाई मेहनत कर रहे हैं घर वालों के लिए, तो आपका दिल वगैरह नहीं करता कि मैं यहाँ वहाँ जाऊँ खेलूँ कूदूँ? मेहनत करनी ना, घर चलाना। तो अम्मी के पास जाने का तो दिल करता होगा ना, तो जाते क्यों नहीं, चले जाओ ना। अभी जो भी करनी है ना, 3 मिनट। अरे घर में छोटे छोटे बहन भाई तो मुश्किल नहीं होता है करने में? क्या करते हो पूरा दिन ऐसे? सोचते रहते हो? क्या सोचते रहते हो? अच्छा, घर वालों की जरूरत पूरी हो सके। तो बेटा ये उम्र सोचने की थोड़ी है, अभी से अपने दिमाग पे इतना जोर डालोगे तो क्या बनेगा? मेरा काम है घर चलाना। आपका ही काम है घर चलाना, कि घर वाले बस मतलब सुकून से रहें, उनको किसी चीज की परेशानी ना हो, और आप बड़े तंग हो? अरे बेटा रोना नहीं है, देखो रोना नहीं है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपके साथ ना कुछ ऐसा हो, आज ही हो, कि ना आप खुश हो जाओ। ऐसे पूरा दिन मेहनत करके एंड में क्या बचता है? कितने का बेच लेते हो? बचत क्या होती है आपको एक दिन की? शुक्र 500-600। 500-600 रुपये बस, और अल्लाह का शुक्र है ना, इसी में आप खुश हो। यार ये तो बड़े कम है, इसमें तो महीने के मतलब आप लगा लो अगर दिन के आप 515,000। कभी ऐसा हुआ है कि दिन की ज्यादा बचत हुई हो, कोई ऐसा आया हो कि ज्यादा दे गया हो? ज्यादा ज्यादा कितने? हजार ग्यारह सौ रुपए की। और वो कब होती है? हफ्ते में एक दफा हो जाती है या महीने में? महीने में कभी। बेटा इस उम्र में तो बड़ी ख्वाहिशें होती हैं बच्चों की, बड़े नखरे होते हैं उनके कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आपकी भी कोई ख्वाहिश होगी ना? कोई एक होती है एक ऐसी ख्वाहिश जो सबकी होती है अपनी अपनी, आपकी क्या है? एक ख्वाहिश है, जब गाँव जाऊंगा ना ज्यादा फिट होएंगे। अच्छा, अम्मी के लिए सूट लेके जाओगे? अम्मी से इतना प्यार करते हो? माँ तो माँ होती है ना, सब माँ से अपनी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब कब जाओगे अम्मी से मिलने? रमजान में जाऊंगी। तो रमजान तो आने वाले हैं ना, जाएंगे। मैं दुआ करूंगा कि आपके पास इतने पैसे हो जाए ना कि आप अपने अम्मी के लिए ना सूट लेके जा पाओ। घर वालों के लिए मेहनत करना भी जरूरी होता है ना, आप तो सबसे बड़े हो घर के और आप ही को करना है सब। आपके साथ बातें करके ना बड़ा अच्छा लगा है, ऐसे लग रहा है कि हमारा ना एक रिश्ता हो गया है। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो, तो मेरे पास ना आपके लिए एक गिफ्ट है, बड़े भाई का छोटे भाई को गिफ्ट।
दो तीन चार पाँच छः सात। बेटा ये पैसे नहीं है, ये एक बड़े भाई को छोटे भाई को गिफ्ट है, ये लो। बस आपने मुझे अपना बड़ा भाई कहा है ना, तो बड़ा भाई तो छोटे भाई को देता है ना। और आप देखो ना इतनी मेहनत भी कर रहे हो अपने घर वालों के लिए, तो ये बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को गिफ्ट, ये लो। ज़्यादा पैसे अपने पास रखो। अरे बहुत ज्यादा क्या है, इतने थोड़ी है। अरे ये बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, ये आप रखो मेरी तरफ से और खुश हो जाओ। पकड़ो ना ये पैसे, इससे अम्मी के लिए सूट आ जाएगा। कब जाना है आपने? रमजान में। जब जाओगे ना रमजान में, तो अम्मी के लिए अच्छा सा कोई ना ब्रांडेड सूट लेके जाना, और छोटे बहन भाई के लिए भी कुछ लेके जाना, और अपने लिए भी कुछ लेना। अरे आप बड़े अच्छे बच्चे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ये हर कोई नहीं करता, अपने घर वालों के लिए भी नहीं लोग करते। और आपने इन कंधों पे इतनी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगा, और आपने भी ना मेरे लिए दुआ करनी है। बेटा ये आंखों से आंसू बह रहा है ना, तो हमारी वाइट हो जाएगी। अभी क्या करोगे? हाँ वो तो मुझे पता है, अब जब जाओगे गाँव तो अम्मी के लिए सूट लेके जाओगे। अभी क्या करोगे जब मैं चला जाऊंगा? आज घर जाना है और आज आराम करना, सही है? और अम्मी से ना फोन पे ना, अभी घर जाओगे ना अम्मी से बातें करना, घर वालों से सबसे बातें करना, आज का दिन ना एंजॉय करना। ठीक है बेटा मैं चलूं? मेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने इतने पैसे दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, इतने ज्यादा पैसे दे दिए। खुश तो हो ना आप? बस आप खुश हो ना तो मैं खुश हूँ, बस खुश रहना चाहिए इंसान को। इस बच्चे की इतनी बड़ी सोच ने तो आज मुझे ही हैरान कर दिया है कि इसे अपनी परवाह ही नहीं, बस अपने बहन भाइयों और अपनी माँ की ही परवाह है। माँ का रिश्ता होता ही ऐसा है कि उसके आगे हर चीज कुर्बान करने को दिल करता है। इस बच्चे ने आज ये साबित किया है कि मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता। कितना बड़ा दिल है इस बच्चे का कि इस भाई से पैसे ही नहीं ले रहा। सच में गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। गाइज अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल डम टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।